श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की। जाके हक कदमों निशवत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आठवें प्रकरण में चरण ब्रह्मात्माएं अक्षराते धामधनी के चरणों को कैसे छोड़ सकती है, उससे दूर कैसे हो सकती है, उस बात को कहते हुए पूरे परमधाम का संक्षेप में वर्णन किया, परमधाम के भिन्न भिन्न दृश्यों का। अब ये नवमा प्रकरण भी उसी प्रकार से ही है, किंतु इसमें परमधाम के बाह्य दृश्यों का, बाहर के दृश्यों का वर्णन ना करके रंग भवन का वर्णन कर रहे हैं। रंग भवन के, वैसे तो रंग भवन में भी भिन्न भिन्न स्थान और बहुत विशेषताएं हैं, किंतु इनका वर्णन तो पहले हो चुका है परिक्रमा ग्रंथ में, तो यहाँ उन सब का स्मरण करवा रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। ये भी उसका चरण का संबंध वही बता रहे हैं। अरस अंदर सुख देवही जो रूहों दिल उपजत। अरस अंदर सुख देवही, परमधाम में ब्रह्मात्माओं का अपार सुख प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी। जो रूहों दिल उपजत, ब्रह्मात्माओं के दिल में, या दिल कहने से अंतःकरण भी लिया गया है, कि उनके मन में जो कुछ बातें उत्पन्न होती, जो इच्छाएं उनकी होती है, उनके अनुरूप सब इच्छाओं को अक्षराते धामधनी पूर्ण करते हैं और उनको अपार सुख प्रदान करते हैं। ऐसी ब्रह्म आत्माएं सो रूहें कदम क्यों छोड़ी जाके असलह कनिष्वत। ऐसी आत्माएं अक्षराते धामधनी के चरण कमल को कैसे भूल सकती है। अर्ष अरवाह भूम खिलवत नूर दसों दिशालरत। अरस अरवाह परमधाम की आत्माएं, रूह और अरवाह, उसे कई स्थानों में रूहें भी कहा, बहुवचन हो गया, किंतु अरबी में देखा जाए तो रूह एक वचन है और अरवाह बहुवचन है। और रूह का भी कई स्थानों पर रूहें कर देते हैं और कई स्थानों पर अरवाह का भी अरवाहें कर देते हैं। ये हो सकता है कि प्राणनाथ जी ने ना किया हो और परवर्ती संतों ने, उनको भाषा का ख्याल न होने से ऐसा किया हो, कर दिया गया हो। हाँ, रूह का रूहें, ये तो भारत में जब अरबी और फारसी, उनमें से उर्दू भाषा तैयार हुई तो उर्दू में तो रूह का रूहें बोल देते हैं, किंतु अरवाहें नहीं बोलेंगे। तो जो परमधाम की आत्माएं हैं, अरवाह कहने से आत्माएं हैं, भौम खेलवत, तो वो प्रथम भूमिका, या भौम कहने से भूमिका, तो वो प्रथम भूमिका के लिए, पर प्रथम भूमिका मूल मिलावा के अंदर विराजमान हैं। नूर दसों देश लरत, तो वहाँ अक्षराते धामधनी श्री श्यामा जी के साथ में, बीच में, मध्य में, सिंहासन में विराजमान है, चारों तरफ ब्रह्मात्माएं। तो इस मूल मिलावे का प्रकाश कोई सागर की भांति वर्णन किया है, तो आठ सागर है, तो वो मूल मिलावे के अंदर भी बताए गए हैं। तो उनका प्रकाश परमधाम में चारों तरफ फैला हुआ है, दसों दिशाओं में उनके प्रकाश, उनका वहाँ का प्रकाश है, उसकी तरंगें लहराती रहती है। सो क्यों छोड़े इन कदम को जाके असलह कनिष्वत। जो ब्रह्मात्मा है ऐसे मूल मिलाव में
अक्षराते धामदने के चरणों में बैठी हो वो उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती है। रूहे 12,000 बैठाए के हक हाँसी को खिलावत है। इसी मूल मिलाव में 12,000 ब्रह्मात्माओं को बैठा करके अक्षराते धामदनी उनको खेल दिखा रहे हैं, खिलाते हैं मतलब उनको खेल दिखा रहे हैं। तो इसलिए हंसी करने के लिए, हंसी करने का तात्पर्य उनका को मजाक उड़ाना उस अर्थ में नहीं है जैसे हम लोग माया के कारण करते हैं, अपने बड़ाई करना चाहते हैं और दूसरों को घटाना चाहते हैं, उसके लिए मजाक करते हैं, वैसा नहीं। राज्य किस तरह से मजाक करते हैं तो राज्य अपने महत्व भी समझाना चाहते हैं। तो ब्रह्मात्माओं में एक प्रकार से ये भाव है कि जब अक्षराते तो हमारे धनी हैं तो हमारा प्रेम उनके प्रति ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको वो अक्षराते धनी समझाना चाहते हैं, देखो तुम्हारे अंदर जो है वो हमारा ही दिया हुआ है, हमारा ही तो तुम्हारे में है, तुम्हारा अलग से नहीं है। उस बात को समझाने के लिए उनको थोड़ा सा उनकी भूल भी दिखानी होगी, तो इसलिए वो भूल उनको दिखाने के लिए ये खेल दिखा रहे हैं। इसलिए यहाँ का हक हाँसी को खिलावत, हंसी करने के लिए खिला रहे हैं। सो रोए कदम क्यों छोड़े जाके असलाह कनेश्वत, ऐसी ब्रह्मात्मा उनके चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है। और हंसी भी इसलिए कर रहे हैं कि उनको प्रेम का ज़्यादा अनुभव करवाना है। तो अक्षराते धनी का प्रेम इतना ज़्यादा है वो अनुभव कर सके, उसके लिए उनकी हंसी होनी है। ले सुख चे बच्चे भौम दूसरी, अब प्रथम भौम की बात हो गई तो दूसरी भौम की शुरू कर रहे हैं। दूसरी भौम में चह बच्चा, तो जो जिसको खड़ो कली कहा वो जलकुंड विशेष, तो वहाँ जलकुंड में जाकर के जल क्रीड़ा करते हैं और फिर रंग भवन के अंदर आकर के जहाँ भूल भुलौनी के मंदिर हैं बीच में चबूतरा है तो उसमें बैठ करके श्रृंगार करते हैं और फिर भूल भुलौनी की अलग अलग लीलाएँ करते हैं। तो उसके बात कर रहे हैं दूसरी भूमि में जहाँ वो जलकुंड खुलता है। महल माए सहस्र जित, जहाँ महल 12,000 जित, 12,000 महल हैं। यह महल कहने से मंदिर, 12,000 मंदिर भूल भुलौनी के जहाँ पर हैं, तो वहाँ लीला करने वाले ब्रह्मात्माएँ सो क्यों छोड़े रुए कदम को जाकी असलाह कनेश्वर, था वो अक्षराते धामदने के चरण कमल को कैसे छोड़ सकती है, कैसे भूल सकती है। रुए तीसरी भूमि चढ़ के बड़े झरखों आवत, तो ब्रह्मात्माएँ तीसरी भूमिका में जा करके बड़े झरोखे में, तो तीसरी भूमिका में से बड़ा झरोखा आरम्भ होता है फिर ऊपर तक जाता है, किंतु बाकी झरोखे तो बहुत हैं तो ये बड़ा झरोखा है, इसलिए यहीं पर झरोखा हो गया, दहलान हो गई और पीछे चबूतरा है, इन सबको मिला करके ये बड़ा सा क्षेत्र है, उसको प्रतिशाल कहा है वो पड़साल, तो वहाँ बैठती है ब्रह्मात्माएँ। सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असलाह का निश्वत, वो अक्षराते धामधनी के चरणों के बिना कैसे रह सकती है। कई इंड पलत हैं पैदा फना, जिन कादर एक कुदरत, या अक्षर ब्रह्म का वर्णन कर रहे हैं। जिन कादर का अर्थ होता है समर्थ, जो समर्थ अक्षर ब्रह्म है उनकी कुदरत है, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव, तो उनका स्वभाव कैसा है, तो कई इंड पलत हैं पैदा फना, उनके पल मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और करोड़ों मिटते हैं, ऐसा सामर्थ्य है उनके पास में। ऐसे अक्षर ब्रह्मा ए आवे मुजरे इन स्वरूप के, अक्षराते धामदनी के स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। और यहाँ ये भी कह सकते हैं अक्षराते के साथ में उनके मन में इच्छा हुई अक्षराते धामदनी कैसे कैसी लीलाएं करते हैं, तो उनकी लीलाओं को देखने के लिए इच्छा हुई, तो ब्रह्मात्माओं के दर्शन की भी इच्छा होती है, तो उन जिन ब्रह्मात्माओं के दर्शन के लिए आते हैं ये भी कह सकते हैं, धामधनी के दर्शन के लिए तो आते ही हैं किंतु यहाँ पर ब्रह्मात्माओं का भी दर्शन चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी ब्रह्मात्माएं
जाके असल अकरनेश्वर जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, तो वो उन चरणों को कैसे छोड़ सकती है, वो पहले वाले चौपाइयों से उसका भाव या लेना चाहिए। नूर मकान से आवेदेदार को इत नूर जमाल विराजत, रंग भवन में तो या तीसरी भूमिका में अक्षराते धामधनी विराजमान है, और अक्षर ब्रह्म दर्शन के लिए अक्षरधाम से चल करके वहाँ पर आते हैं और चांदनी चौक में खड़े होकर के दर्शन करते हैं। तो अक्षराते धामधनी तो ब्रह्मात्माओं को अपने चरणों में रख करके अक्षर ब्रह्म को भी दर्शन देते हैं। ऐसी ब्रह्मात्माएँ रूहें याद कदम क्यों छोड़ी, जिनकर चरण कमल को सदैव याद करना चाहिए, उनको ब्रह्मात्माएँ कैसे छोड़ सकती है, कैसे भूल सकती है। हक बैठे पौड़े भौमती शरी आगू जरखों आरोगत, अक्षराते धामधनी इसी तीसरी भूमिका में वहाँ बैठते भी हैं, बैठते हैं तो झरोखे में बैठते हैं और पौड़ते हैं तो वहाँ जो दहलान के साथ में जो मंदिर हैं तो उसमें नीला और दूसरे तरफ का पीला और बीच का ना नीला ना पीला, तो वहाँ पर इन मंदिरों में तो तीन तीन मंदिर, तीन तरफ दो तरफ तीन तीन मंदिर, छः और बीच के चार मंदिर का दहलान इस प्रकार से तो वहाँ पर है। तो वहाँ इन्हीं अब एक तरफ के उसके दाहिने तरफ के ही मंदिर हैं, दाहिने साइड के, तो उस मंदिर में तो एक नीला तो एक पीला और बीच में ना नीला और ना पीला, दोनों का असर उसमें पड़ता है। तो वहाँ वो विराजमान होते हैं, विश्राम करते हैं और भोजन करते हैं। तो इधर तो उसके लिए ये कहा आगू झरोखों आरोगत, झरोखे के आगे तो वहाँ दहलान में बैठ करके वहाँ आरोगते हैं। तो ऐसे धामधनी की लीला में रहने वाली ब्रह्मात्माएँ रुएं क्यों छोड़े इन कदमों को कैसे छोड़ सकती है, जाके असलाह का निस्वत। रुहें अरस अजीम की भौम चौथी देखे निरत, परमधाम की आत्माएं चौथी भौम के नृत्य को भी देखती है। ऐसी आत्माएं सो हक कदम क्यों छोड़ी, अक्षराते धामधनी के कदम को कैसे छोड़ सकती है, जाके असलाह का निस्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है। रुएं अरस अजीम की पांचवी भौम पौड़त, पांचवी भूमिका की बात कर रहे हैं, परमधाम की आत्माएं पांचवी भूमिका में विश्राम करती है, वो भी अक्षराते धामधनी का मंदिर बीच में है और चारों तरफ परमात्माओं के मंदिर है। अक्षराते धामधनी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके वो विश्राम करती है, तो ऐसी आत्माएं उनके चरणों को कैसे छोड़ सकती है, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो सुपने कदम न छोड़ ही जाके असलह का निश्वत। रूहें अर्ष अजीम की भौम छठी कई जुगत, तो कई युगत का तात्पर्य तो युक्ति है। अब यहाँ ये समझना पड़ेगा कि छठी भूम में परमधाम के छठी भूम में तो वो सुखपाल हैं, तो सुखपाल का सुख भी तो अलग 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 प्रकार के सुख होंगे ना, पूरे परमधाम में चारों तरफ उनमें बैठ करके जा करके घूम करके आ सकते हैं। तो ये कई जुगत कहने का तात्पर्य अनेक प्रकार के सुख ऐसा समझना पड़ेगा। तो ये छठी भूम में सुखवाल के सुख प्राप्त करती हैं, तो सुख क्यों रहे कदम बिना ऐसी आत्माएं अक्षराते धामधनी के चरणों को छोड़ करके नहीं रह सकती। रोएं अरस भौम सातवीं, अब सातवीं भूमिका की बात कर रहे हैं, जो छप्पर खटों ही चत, और खट छप्पर, तो खट छप्पर कहने से तो वो झूले सातवीं भूमिका में, आठवीं भूमिका में, तो सातवीं भूमिका में झूलों ने झूलती हैं आमने सामने। ऐसी आत्माएं सो सुपने कदम न छोड़े, स्वप्न में भी अक्षराते धामधनी के चरणों को नहीं छोड़ सकती है, जाके असलह का निस्वत। ये अरस भौम आठवीं, परमधाम की आठवीं भूमिका में साम सामी हिंडोलों खटकत, सामने सामने इधर इधर
और उधर सामने और इधर से इधर सामने, ऐसे चारों तरफ से एक साथ इकट्ठी होती है। वो खटकना, जैसे कोई चीज़ किसी को खटकती है तो उसका सीधा साधा अर्थ तो चुभ जाती है, ऐसा है। तो यहाँ खटकने का अर्थ चुभना नहीं है, वो झूलों में विराजमान होकर के झूलती है। तो उस तरह से अब ऐसे देखा जाए तो झूलों के अंदर चुभ गई, ये भी वो कर बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या है, मूल शब्द अपने यहाँ का नहीं है, इसलिए उसके अलग अलग प्रकार के अर्थ है। तो हम लोग ज़्यादातर खटकना चुभने अर्थ में प्रयोग करते हैं, इसलिए केवल चुभना ऐसा नहीं है, झूले में विराजती है। तो ये रूहे सुपने कदम न छोड़े ही जाकी असलाह निष्वत। तो ऐसी आत्माएं अक्षराती धामधनी के चरण कमल को स्वप्न में भी नहीं भूलती हैं। अरस रूहे सुख नवमी भूमि सुख सिंहासन समस्त परम धाम की ब्रह्मात्माएं सारे के सारे, नवमी भूमिका में तो क्या है, बाहर का झरोखा और बाहरी हर मंदिर, तो वो एक लेवल पर तो वो एक जैसा है। तो वहाँ बैठ करके फिर अक्षराधि धामधन्य के साथ में बैठ करके चारों तरफ का दृश्य देखती है, समस्त मतलब साथ में, तो सिंहासन के साथ में बैठ करके तो देखती है। तो जिधर का दृश्य दिखाना होता है तो धामधनी उनको उसी दिशा में ले जाते हैं और दृश्यों को दिखाते हैं। तो सो क्यों रहे हक कदम बिना जाकी असलाह करने से होता, ऐसी ब्रह्मात्मा धामधनी के चरणों को छोड़ करके कैसे रह सकती है। रूहे रहे वे अरस में जो सुख झरोखे भोगवता, तो अभी ये भी झरोखे के सुख हैं, चारों तरफ दर्शन करना, तो नवमी भूमिका में रह करके इन सुखों को भोगने वाले ब्रह्मात्मा हो गए। सो क्यों रहे हक कदम बिना धामधनी के चरणों के बिना वो कैसे रह सकती है, जाकि असलाह कनेश्वत। हक आदि रूहे सुख अरस चांदनी, अरस अम्बर ज्योत होवत। अब ये दशमी भूमिका की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मात्माएं हक और हादि श्री राज्य और श्यामा जी के साथ में चांदनी में, तो बीच में चबूतरे में सिंहासन है, चारों तरफ चबूतरे में ब्रह्मात्माएं बैठती है। तो कभी कभी तो बाहर के साइड में वो दहलान जैसा है तो वहाँ जा कर के भी बैठती है, वहाँ से भी बाहर दर्शन, वहाँ से भी अलग प्रकार का आनंद दिलाते हैं। तो ये चांदनी का प्रकाश कितना है, अरस अम्बर ज्योत होवत, पूरे परमधाम के आकाश में ये प्रकाश छा जाता है। तो ऐसी लीला में रहने वाली आत्माएं सो क्यों रही हक कदम बिना धामधनी के चरणों को छोड़ करके कैसे रह सकती है, जाकि असल हक निश्वत। सकल भौम सुख ले वही रूहे हक कदम पकड़ता, अक्षराते धामधनी के चरणों को पकड़ करके, कहने का तात्पर्य उनके सानिध्य में रह करके परमधाम के सभी भूमिकाओं का, रंगमहल के सभी भूमिकाओं का लाभ लेती है ब्रह्मात्माएं। ऐसी ब्रह्मात्माएं सो क्यों रहे इन कदम बिना, इन चरणों को छोड़कर के कैसे रह सकती है इनके बिना। आई नजीक जागनी, पीछे तो उठ बैठा था तो कहते हैं देखो अब तो जागनी का समय आ गया है, बाद में तो उठ करके जागृत होना ही है, परमधाम में बैठे ही हैं तो जागृत होना है। हाँसी ओसी भूली पर, जो हम माया को देखते हुए भूल जाते हैं तो इस भूल पर हंसी हो जाएगी, तो इसलिए अब सचेत हो जाओ ये कहना चाह रहे हैं। तो जिनको जाके असल आकर निश्वत, जिनका असली संबंध पूर्ण ब्रह्म से है, ऐसी आत्माओं पर हंसी होगी, इसलिए सचेत होना चाहिए। रुए हुकुम ले दौड़ियो मूल तन अरस में उठता, तो ब्रह्मात्माएं तो अक्षराते धामधनी के आदेश से तुम दौड़ो, कहने का तात्पर्य यूँ तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, इस तरह से तैयार हो जाओ, सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ। मूल तन अरस में उठता, मूल परमधाम के मूल तन परात्मा में जागृत होना है। तो कहाँ शशि तुम ऊपर, तुम यदि जागृत नहीं होगे तो धामधनी तुम पर हंसी करेंगे। रुए क्यों भूली ए निश्वत, तो ब्रह्मात्मा इस संबंध को कैसे भूल सकती है। तो इसमें कहने का तात्पर्य तुम सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ, अन्यथा धामधनी तुम्हारे ऊपर हंसी करेंगे, तो
इस दृश्य को तुम कैसे बोलो भूल सकती हो। आया नजीक बखत मोमिनो क्यों भूली आदि नश्यत, अरे ब्रह्मात्मा जागृत होने का समय आ गया है इसलिए सतगुरु के उपदेश को नश्यत उपदेश उसको तुम भूलो मत। जो सुपने कदम न भूलिए हंसी हकसों ले निश्वत, जो यदि स्वप्न में भी धामधनी के चरणों को नहीं भूलेंगे तो हंसी आकसों ले निश्वत, जब जागृत होंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे धामधनी के साथ में, तो हमें भी लगेगा कि चलो हम भूले नहीं, हम सचेत रहे, ऐसा होगा और ये विश्वास होना चाहिए। अब इसे जागृत हो जाओ, इसके लिए लाहा लीजिए दोनों ठौर का, सुनो मोमिनों कहे महामत। तो महामति कहते ही ब्रह्मात्माओं सुनो, दोनों स्थानों का लाभ लेना चाहिए, एक तो दुनिया, तो दुनिया में भी जागृत होकर के दूसरों को भी जागृत करो तो एक लाभ हो गया, और परमधाम में जागृत होते हैं और वहाँ पर फिर भूल गए हैं ऐसा करके, तो वो उस समय हास्य का पात्र नहीं होना पड़ेगा, तो धामधनी भी कहेंगे ओह तुम तो बड़े अच्छे रहे तो तुम भूले नहीं, तो दोनों ठौर का लाभ हो गया ना। तो इस प्रकार से लाभ लेना है। क्यों सुपने ए चरण छोड़िए जाके अपने असल निश्वत, इसलिए स्वप्न में भी इन चरण कमल को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा असली संबंध इन्हीं चरणों के साथ में है। इस प्रकार से चरण कमल की महिमा समझाइए। तो ये तीन या चार प्रकरणों में तो ये चरण कमल के, चरण कमल तो शुरू से ही है किंतु तो जाके असल हक निश्वत, ये चतुर्थ चरण के साथ में शायद तीन प्रकरण हुए हैं, इसके द्वारा इस प्रकार समझाया। अब दूसरे प्रसंगों को समझाएंगे, तो अभी के आज के प्रसंग को यहीं पर रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपनी असल निश्वत लाह लीजे दोनों ठौर का, सुनो मोमिनो कहे महामत, क्यों सुपने ए चरण छोड़िए अपने असल निश्वत, अपने असल निश्वत जी।